के इसको दो मेथड से हम लोग कल्टिवेट कर सकते हैं। फर्स्ट होता है ऑर्गेनिक मेथड एंड सेकंड होता है केमिकल मेथड। तो पहले मैं ऑर्गेनिक मेथड की बात करूँ तो सबसे पहले हम हॉट वाटर ट्रीटमेंट यानी कि जो हस्क है उसको गर्म पानी में उबालते हैं और तब तक उबालते हैं जब तक उसमें से हल्का हल्का मीठा मीठा स्मेल ना आता। और फिर उसके बाद हम लोग ड्रेनिंग एक्सेस वाटर करते हैं, मतलब पानी को सुखाते हैं 24 आवर्स के लिए छोड़ देते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग स्पॉनिंग करते हैं, उसमें स्पॉन डालते हैं और स्पॉन डालने के बाद फिर हम लोग बैगिंग करते हैं। फिर बैगिंग कर लेने के बाद फिर हम उसको डार्क रूम में रख देते हैं। एंड अगर मैं सेकंड मेथड की बात करूँ तो जो केमिकल है वो फॉर्मेलिन एंड बेबिस्टीन है। तो उसको फिर केमिकल को पहले हम एक ड्रम में या फिर जो आप मतलब जिस चीज़ में हम रखना चाहते हैं उसमें 24 आवर्स के लिए भिगो के रख देते हैं। और फिर सेम प्रोसेस उसका भी होता है, ड्रेनिंग एक्सेस वाटर एंड स्पॉनिंग एंड बैगिंग। स्पॉनिंग हम टू टाइप से करते हैं, एक तो हम मिक्स कर देते हैं ऐसे और एक लेयर वाइज लेयर करते हैं। सो मैं यहाँ पर प्रेजेंट नहीं कर पाई तो यहाँ पर ऐसे है। एंड फिर उसको डार्क रूम में हम लोग रख देते हैं एंड हमारा मॉडल फिनिश। एंड हमने थोड़ा थोड़ा सा डिज़ाइन किया है।